जिलाधिकारी के विजेंद्र पांडेयन की अध्यक्षता में कलेक्ट्रेट सभागार में मोहद्दीपुर चौराहे एवं गोलघर काली मंदिर के चौराहे के विस्थापन सुधार कार्य हेतु संबंधित अधिकारियों की आवश्यक बैठक कलेक्ट्रेट सभागार में संपन्न हुई। बैठक में डीएम ने कहा कि राज्य सड़क निधि योजना के अंतर्गत सड़क सुरक्षा के अंतर्गत मोहद्दीपुर चौराहे एवं गोलघर काली मंदिर चौराहे के विस्थापन व सुधार कार्य की स्वीकृति शासन द्वारा प्राप्त है, जिसमें चौराहों पर मार्ग के चौड़ीकरण का कार्य, नाली तथा सौंदर्यीकरण का कार्य कराया जाना प्रस्तावित है। जिलाधिकारी ने सभी संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिए कि इन चौराहों पर विभिन्न विभागों के परिवर्तकों, विद्युत खंभों, पेड़ पाइपलाइन केबल के कारण नियमित रूप से होने वाले जाम की समस्या के निराकरण हेतु उन्हें संबंधित विभाग वहां से हटाकर निर्धारित स्थल पर विस्थापित करे, ताकि विस्थापन सुधार समस्त कार्य बाधा रहित संपादित हो, चल रहे समस्त कार्यों को समय से पूरा कराया जा सके, ताकि जनमानस को आवागमन में कोई असुविधा न होने पाए। बैठक में पुलिस विभाग, लोक निर्माण विभाग व वन उद्यान सहित व अन्य संबंधित विभागों के अधिकारी मौजूद रहे। और 13 पेड़ है ना, 13 पेड़ काटना है, उसके लेटर पैसा सारे जमा है, बहुत अर्जेंट काम है ना, क्या दिक्कत है? जीएम साहब है क्या? नहीं है ना, ये क्या परेशानी है इसको हटाने में? नहीं, इस पर दो दिन में करने में क्या दिक्कत है? उसको देख लेते हैं सर, उसको शायद तो बाद में देखते हैं। बड़ा पेड़ तो नहीं, बहुत बड़ा पेड़ नहीं है, लेकिन छठान भी हो गया है, छठान काटना है। तो छठान भी हो गया, बस केवल ट्रंक गड़ी है। आप शुरू भी कर देंगे तो रोड पर है। कितने पेड़ है? 13 पेड़ है। 13 पेड़ है क्या? तुरंत हटवा दीजिए, पैसा भी जमा। सर उसमें एक काली मंदिर काम उसका एक इशू है सर, उसमें एक पीपल के पेड़ में सर वो कैमरा लगे हुए हैं। इसको कौन बताएंगे कितने कितने क्या हटाना है वो करना? तो ये सभी विभाग को बुला लेते हैं मेरी मीटिंग में सर, और विद्युत विभाग के साथ इसके बिना मैं नहीं बिता सकता।